वो कहते थे कि कोई कमजोर ये नहीं कह सकता कि उसने पहलवान को माफ किया, उसके लिए कमजोर का पहलवान बनना जरूरी है। तो आज से पहलवान बनने की मुहिम शुरू हो गई। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा फिर से नए चैनल जिम गुरु में। और आज आप देख रहे हैं ये चार प्रोडक्ट्स। जी हाँ, ये वो चार बॉडी बिल्डिंग के प्रोडक्ट्स हैं जो वाकई में आपकी शरीर की काया पलट सकते हैं। अगर आप कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं और आपका जिम में वेट नहीं बढ़ रहा है, या आप बेंच प्रेस लगाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं या काफ़ी हैवी वेट उठाते हैं पर आपका बेंच प्रेस नहीं बढ़ रहा है या आपका स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पा रही है काफ़ी टाइम से, तो आपको इन चारों प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पुराने समय में प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल करते थे अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, और ये सेक्स पावर यौन क्षमताओं को ही बढ़ाते हैं। और मर्दों को, अगर आप एक जिम जाने वाले या नहीं भी जाने वाले हैं, आप कसरत नहीं भी करते हैं, आप एक रेगुलर बेसिस व्यक्ति हैं और आपको केवल अपनी ताकत क्षमता बढ़ा के रखनी है और एक अच्छी लाइफ जीनी है, स्वस्थ लाइफ जीनी है, तो भी आपको ये इनका सेवन करना चाहिए। इनके सबसे बड़ी बात ये है, इनका कोई नुकसान नहीं है, इनके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर ये फ़ायदे नहीं भी पहुँचाई तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँच पाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार हैं, क्या क्या हैं। ये डाबर का शतावरी चूर्ण है। मैं पहली बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको पतंजलि का शतावरी चूर्ण मिलता है तो आप पतंजलि का ही शतावरी चूर्ण लें, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। ये तो मुझे मिला नहीं था, इस वजह से मैंने डाबर का लिया है। उसके बाद आता है कौंच के बीच के चूर्ण, ये पतंजलि का है और इसकी तकरीबन रेट है इसमें 42 रुपये। रेट थोड़ी सी हो सकती है, आपको इधर कितनी है पता नहीं। और ये सबसे महंगी है इन सब में, वह है सफ़ेद मूसली, ये है 325 रुपये रेट है इसकी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये है अपना अश्वगंधा चूर्ण, ये सबसे इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण सबसे ज़रूरी 56 रुपये की है। अगर आप देखा जाए तो परचून की दुकान सामान जो लाते हैं उनसे ये सस्ता ही है। वैसे प्रोडक्ट पतंजलि के प्रोडक्ट मैंने लिए हैं तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, इनके कोई नुकसान नहीं है। अश्वगंधा चूर्ण सबसे बेस्ट है इनमें, मैं आपको बताऊँ। अगर वाकई में आपको बॉडी वेट बढ़ाना है, मसल्स गेन करने हैं, तो अश्वगंधा चूर्ण सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपको फ्री रखेगा। उसके बाद आता है शतावरी चूर्ण। कम से कम अगर आपको इन चारों प्रोडक्ट्स में से मिल रहे हैं तो आपको केवल दो ये प्रोडक्ट्स तो लेने ही हैं साथ में, अश्वगंधा और शतावरी, ये दो प्रोडक्ट्स आपको छोड़ने ही नहीं है। उसके बाद आपको उसका सफ़ेद मूसली है, उसके बाद कौन सी। अगर ये चार प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही रहेगा। और अब बात करते हैं कि इनका करना क्या है। तो इनको आपको केवल और केवल इस्तेमाल करना है सर्दियों में। जी हाँ, गर्मियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ें शरीर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा करती हैं, तो इसलिए आपको इनको केवल और केवल सर्दियों में इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के लिए इन्हें एक डब्बे में, इन चारों प्रोडक्ट में से जो पाउडर फॉर्म में है चारों, तो इन चारों पाउडर फॉर्म को एक डब्बे में लेना है और इन्हें डाल देना है। जैसे मैंने एक इस डब्बे में डाल दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे, इस डब्बे में काफ़ी हद तक वैसे तो ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया है, और मैं बताऊँ आपको 4 किलो वेट गेन किया है मैंने इससे। तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट है। तो इनको कुछ मिलाने के बाद ये कुछ इस तरह से होंगे, इनका कलर लगभग सबका एक जैसा ही है। तो ये प्रोडक्ट हैं जो, इनको चारों को मिला लेना है अपन को। और इनका इस्तेमाल कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो आपको रात को सोने से पहले दूध को गर्म करके और उसको मैं एक चम्मच, ओनली एक चम्मच, जैसा आप देख सकते हैं 5 ग्राम का जो चम्मच है मेरे पास, ये चम्मच का इस्तेमाल करना है। छोटा चम्मच जो होता है, जो कई बार हम चाय की पत्ती वाली जो चम्मच होती है उसका यूज़ करना है, या प्लास्टिक की जो चम्मच आती है बफर वाली, वो वाला यूज़ करना है। इनको आपको एक चम्मच में लेके अच्छे से मिला लेना है दूध में, एक गिलास दूध, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद
आप अपने अंदर फर्क देखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको केवल सर्दियों में लेना, गर्मियों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये बहुत नुकसान, फिर दिक्कत आ सकती है, वो गर्मी बढ़ा देता है और तो कुछ नहीं है, जिससे आपके पिंपल्स और काफ़ी चीज़ हो सकती है। तो मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत ही सस्ते और देसी प्रोडक्ट हैं, जिनकी रेट मैं बताऊँगा 450 से भी कम की पड़ेगी। मेरे को 430 का प्रोडक्ट पड़ा है, केवल 430 रुपये में पड़ेंगे, और इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, आप जाके खरीदें, ये बहुत बेस्ट चीज़ें हैं, आपको इनसे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। आप मास गेनर के इस्तेमाल करते होंगे, जो कि 4-4 5 हज़ार का पड़ता होगा आपको, वो 2-2.5 किलो, आप इसको लीजिए, ये आपको करीबन 4 डब्बे हैं तो 400 ग्राम के हो जाएगा, जो पूरी सर्दी चल जाएगा मेरे हिसाब से। आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने आपको इसका इस्तेमाल करना है, 100 ग्राम आपको 1 महीना आराम चल जाएगा, क्योंकि 5 ग्राम आप यूज़ करेंगे डेली, एक चम्मच 5 ग्राम का होता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे फ़र्क पड़ा है तो आपके भी 100% पड़ेगा। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाने में सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं यही बता दूं, मैं किसी प्रोडक्ट का एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मैं अपने खुद का अनुभव बता रहा हूं, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मैंने 3 से 4 किलो गेन वेट किया है, और स्ट्रेंथ अलग, मैं बेंच प्रेस में पहले से ज़्यादा, मेरी बेंच प्रेस है, पहले मेरी ओनली 60 kg की बेंच प्रेस थी, अब मैं 80 kg से ऊपर की बेंच प्रेस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैंने सारी चीज़ें बताई थी, और अगर आपको कुछ इस बारे में और कुछ जानना है कि कैसे इसको और इस्तेमाल करना है, और कुछ भी कोई बात जाननी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हुए, और हाँ, जाने से पहले यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय। Yeah!